थमने का नाम नहीं ले रहा है कोरोना। अब तक 4,03,626 मामले सामने आए, जिसमें 3,86,207 मामले पुनः स्वस्थ हुए एवं 4,091 मामलों की मौत भी हुई। भारत में अब तक कुल 2,22,95,911 मामले सामने आए, जिसमें 37,32,467 सक्रिय मामले, 1,83,11,498 पुनः स्वस्थ हुए और 2,42,398 की मौतें हुई। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक और दवा की मंजूरी, DRDO की दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिली। मरने से पहले एक्टर ने लिखी फेसबुक पोस्ट, अच्छा इलाज मिलता तो मुझे बचाया जा सकता था। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर की अपील, शुभम गिल खराब फॉर्म के बाद भी टीम का हिस्सा, सुनील गावस्कर ने बताई वजह। ग्रीस में सैलानियों के लिए खोल ले अपने खूबसूरत बीच, तस्वीरों में दिखी ये झलक। टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि कोरोना की वजह से गर्मियों का पिछला सीजन बर्बाद हो चुका था। छात्र राजनीति से सीएम की कुर्सी तक, संघर्ष भरा रहा है हिमांता बिस्वा शर्मा का सफरनामा। प्राइम मेंबर्स को लगेगा झटका, बढ़ते कोरोना के चलते अमेज़न ने उठाया ये कदम। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण अमेज़न इंडिया ने अमेज़न प्राइम डे सेल पर लगाई रोक। भारत में अब 12 सरकारी बैंक, 2,118 शाखाओं का वजूद खत्म, RTI से खुला। लॉकडाउन एक्सटेंशन अगेन, कोरोना की तीसरी लहर में NCR के सभी शहरों में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और मौतों की आंकड़ा भी डराने वाला है। ऐसे में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 87 सरकारों ने लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है।